दोस्तों आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध ताड़केश्वर महादेव मंदिर के बारे में। लैंसडाउन से 37 किलोमीटर और कोटद्वार से 69 किलोमीटर की दूरी पर ताड़केश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। 2092 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर को भगवान शिव को समर्पित सिद्ध पीठों के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यह उत्तराखंड राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर एक राक्षस था जिसने एक वरदान के लिए इस स्थान पर भगवान शिव का ध्यान और पूजा की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भगवान शिव के पुत्र को छोड़कर तारकासुर के अनुरोध के अनुसार अमरता का वरदान दिया। तारकासुर संतों को मारकर और देवताओं को धमकाकर दुष्ट होने लगा। ऋषियों ने भगवान शिव की मदद मांगी। तारकासुर के गलत कार्यों से परेशान होकर भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने जल्द ही तारकासुर को मार डाला, लेकिन मृत्यु के समय तारकासुर ने भगवान शिव से प्रार्थना की और क्षमा मांगी। महादेव ने तब अपना नाम उस मंदिर से जोड़ दिया जहां तारकासुर ने एक बार ध्यान किया था, इसलिए इस स्थान का नाम ताड़केश्वर महादेव मंदिर पड़ा। इस मंदिर के पीठासीन देवता भगवान शिव हैं। मंदिर देवदार के घने जंगलों के बीच में स्थित है। पहले ताड़केश्वर महादेव मंदिर में एक शिवलिंग मौजूद था, लेकिन अब तांडव करने वाले एक भगवान शिव की मूर्ति की पूजा की जाती है। मंदिर में शिवलिंग को देवता की मूर्ति के नीचे रखा गया है। देवी शक्ति को समर्पित एक मंदिर मुख्य मंदिर के निकट स्थित है। एक अन्य मिथक के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को छाया प्रदान करने के लिए खुद को 7 देवदार के पेड़ों में बदल लिया था और इन 7 पेड़ों से क्षेत्र के देवदार के पेड़ों की उत्पत्ति हुई है। देवदार उपवन की आकृति ओम अक्षर के रूप में मानी जाती है। स्नान के लिए खुले ताल हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले और महिलाओं के लिए बंद ताल हैं। परिसर में एक कुंड है जिसके पवित्र जल का उपयोग मंदिर के अंदर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए किया जाता है। हिंदू परिवारों में विशेष अवसरों जैसे शादी या नवजात बच्चे के जन्म पर भगवान शिव को घंटियां अर्पित की जाती हैं। महाशिवरात्रि प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। मंदिर हजारों घंटियों से घिरा हुआ है जो भक्तों द्वारा चढ़ाया जाता है। मंदिर के पास पर्यटकों के ठहरने के लिए 2 धर्मशालाएं हैं। मंदिर के खुलने और बंद होने का समय, यह मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बंद हो जाता है, जिसके बीच में आप कभी भी जाकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ताड़केश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है? उत्तराखंड राज्य में स्थित भोलेनाथ का यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 2092 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ताड़केश्वर मंदिर के आसपास क्या क्या है? मंदिर के चारों ओर देवदार और चीड़ के वृक्ष काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। देवदार के वृक्ष ऊंचाई के साथ साथ नमी वाले जगहों पर ही उगते हैं। मंदिर के बगल में एक खास कुंड भी है जिसे खुद माता पार्वती ने खोदा था। इस कुंड के जल से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक होता है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड के पानी को पीने से आप रोग मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पर आप हजारों की संख्या में घंटियाँ देख सकते हैं जिसे मनोकामना पूरी होने के बाद भक्तगण चढ़ाते हैं। ताड़केश्वर मंदिर के आसपास ठहरने की सुविधा। ताड़केश्वर मंदिर के आसपास कहीं पर भी ठहरने के लिए होटल और रूम वगैरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मंदिर के परिसर में एक धर्मशाला बनाया गया है जहां पर आप खाना खाने के बाद विश्राम कर सकते हैं।
अगर आप मंदिर में दर्शन करने के बाद रात को ठहरने के लिए कोई होटल या रूम लेना चाहते हैं, तो आपको इस मंदिर से 20-25 किलोमीटर पहले लैंसडाउन की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि रात को ठहरने के लिए तारकेश्वर मंदिर का सबसे नजदीकी जगह वही है, जहाँ पर आपको रूम, होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सुविधा मिल जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि आप मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं। तारकेश्वर महादेव मंदिर लैंसडाउन से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून में है, जो 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और कोटद्वार रेलवे स्टेशन मंदिर से 70 किलोमीटर की दूरी के साथ निकटतम रेलवे स्टेशन है। मंदिर शहर से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है और टैक्सी या कैब द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है।